लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में, मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। इंदौर शहर भले ही अनलॉक हो गया हो और सड़कें और बाजार नियमों में बंद कर गुलजार हो गए हो, लेकिन नियमों की धज्जियां लगातार उड़ रही हैं और कलेक्टर के आदेश की अवहेलना करने में जनता और व्यापारी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जेल रोड क्षेत्र में व्यापारियों पर रहवासियों ने कई तरह के आरोप लगाए हैं। इसी कड़ी में इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल बाजार जाने की जेल रोड बाजार शर्तों और नियमों के तहत खुल तो गए हैं, लेकिन यहां व्यापारियों की मनमानी के चलते रहवासी काफी परेशान हैं। एक तरफ लोग जहां बाजार में आने जाने वाले ग्राहकों के वाहन से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन से सख्ती करने की फिर से गुजारिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। पूरा पार्किंग आगे की तरफ गेट है, वहाँ पे भी पार्किंग। अभी हम कुछ साल पहले अभी आए थे, जब यहाँ पर विवाद भी चल रहा था, तो इस तरह के विवाद आए दिन होते हैं क्या यहाँ पर? हाँ, आए दिन होते रहते हैं पार्किंग की वजह से। जिसके भी घर के सामने लगाएंगे उसको समस्या तो क्यों लगती है गाड़ियाँ, क्या कारण हुआ? दुकानें हैं, रहवासी क्षेत्र है ये, और रहवासी क्षेत्र में दुकानें खुल गई है तो दुकानदारों को तो सोशल डिस्टेंसिंग और मतलब एक यहाँ पर ग्राहकी करने का वो है नहीं, आदेश ही नहीं है। हाँ, फिर भी दुकानें तो खुल रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? पालन करवाया जाए इसका, और क्या कह सकते। निगम वाले नहीं आते क्या? नगर निगम आते हैं निगम वाले, पर वो तो कुछ समय के लिए आते हैं ना। कार्रवाई नहीं होती है मतलब? कार्रवाई होती है, लेकिन जो जिस समय वो आएंगे उसी समय दिखेगा तब वो कार्रवाई करते हैं। पर आप देना चाहेंगे आप मीडिया के माध्यम से? यही कि और थोड़ा ध्यान रखा जाएगा। आपका नाम? साक्षी। कौन सी जगह है ये? लोधी मोहल्ला। कलेक्टर साहब से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि जिस प्रकार से 3 महीने के अंदर कलेक्टर साहब ने जिस प्रकार से सख्ती करके लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करवाया है, धीरे धीरे एक एक बाजार को खोलने की परमिशन दी है ऑनिंग मन के हिसाब से कि एक दिन एक शटर खुलेगा, दूसरे दिन दूसरा शटर खुलेगा, और उसके बाद भी इनको होलसेल की परमिशन दी है। हमको यहाँ से जाना आना मुसीबत हो रही है, लोग गाड़ियाँ लगा के चले जाते हैं, हमको बहुत मुसीबत होती है। आपको पता है कलेक्टर का आदेश है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए, तमाम तरह के नियम है तो, लेकिन यहाँ पर क्या लग रहा है? नहीं होता, जो आता है वहाँ गाड़ियाँ लगाता ही चला जाता है घर के सामने। आपने विरोध किया इसका? बोला है तो 5 मिनट में आ रहे हैं, 5 मिनट के 15। कौन जिम्मेदार है इन गाड़ियों के लगती है? लगाने वाले जिम्मेदार है ना, उन्होंने नहीं। क्या कारण है गाड़ियाँ यहाँ क्यों लगती है? जाने आने में दुकानदार है, मार्केट इसलिए। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।